नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग फैक्ट इसके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे थे, ये फुली डायनेमिक एंड प्रैक्टिस क्यूज ऐप है। इस ऐप का नाम है ट्रिपल के स्टडी क्यूज ऐप। दोस्तों, मैं इसका पार्ट सीरीज भी ले आऊँगा। दोस्तों, ये ऐप फुली फायर बेस से कंट्रोल है। दोस्तों, मैं इसका पार्ट सीरीज पार्ट बाई पार्ट में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया, आइए देखते हैं ये ऐप कैसा बना है। दोस्तों, मैंने इस ऐप का नाम ट्रिपल सी स्टडी क्यूज रखा है। दोस्तों, इसका ये स्पेस स्क्रीन रहेगा, नीचे लेवल दिए गए हैं। दोस्तों, इसका होम स्क्रीन है, ऊपर में स्लाइडर दिए गए हैं, उसमें एक टाइटल, सब टाइटल, लोगो, होम, ट्रिपल सी स्टडी, ट्रिपल सी क्यूज, प्राइवेसी पॉलिसी, शेयर, मोर ऐप, एग्जिट बटन दिए गए हैं। अगर दोस्तों कोई होम पर क्लिक करता है तो वो स्टडी पे चला जाएगा, और नीचे दो बटन दिए गए हैं, स्टडी और क्यूज नाम से। यहाँ पर दोस्तों मैंने 6 कार्ट व्यू लिए हैं। दोस्तों, अगर कोई स्टडी पर क्लिक करता है तो स्टडी व्यू करेगा, और क्यूज क्लिक करता है तो क्यूज कार्ट व्यू पर क्लिक करता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 6 कार्ट व्यू यूज़ किए थे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सारा फायर बेस से लोड कराए गए हैं। यहाँ पर मैंने डेमो के लिए 5 क्वेश्चन लिए हैं, और नीचे एक ऐड आएगा, और उसके ऊपर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर देखिए सारे के सारे फायर बेस से क्वेश्चन लोड कराए गए हैं, उसी तरह बाकी सारे कार्ड व्यू में किए गए हैं। और मैं क्यूज का भी दिखा देता हूँ। क्यूज में भी मैंने 6 कार्ड व्यू लिए हैं। इसका देखिए फर्स्ट स्क्रीन हो गया क्यूज वन का, फिर क्यूज वन का सेकेंड स्क्रीन है, यहाँ पर 27 सेकेंड का टाइमर दिया गया है। यहाँ पर भी मैंने फायर बेस से क्वेश्चन लोड कराए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा ऊपर में, और नीचे डन बटन रहेगा, और नीचे एक ऐड रहेगा, बैनर ऐड। इसमें आप इंस्टेटोरियल ऐड भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे डन का भी बटन है, आप डन का बटन चेंज कर सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर टाइम आउट हो जाता है, तो टाइम आउट का भी मैंने दिखाया अभी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है सारा फायर बेस से कंट्रोल है। देखिए टाइम आउट हो गया, क्लिक नहीं कर पाए। यहाँ पर देखिए मुझे सारा, ये देखिए गलत है तो रेड हो जाएगा, अगर सही है तो ग्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए गलत हो गया, फिर देखिए गलत हो गया, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, ये भी गलत हो गया। फिर छठा क्वेश्चन देखता हूँ, हाँ देखिए ये सही हो गया। यहाँ पर देखिए ग्रीन बटन आ गया, फिर चेकिंग, यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ जाएगा रिजल्ट। फिर मैं नीचे देखिए यहाँ पर स्टार्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपको फिर से स्टडी पर चला जाएगा। अगर क्यूज करना चाहता है तो क्यूज पर, अगर बंदा कोई अगर इंटरनेट लॉस हो जाता है तो यहाँ पर पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा। अगर कोई अगर वो तुरंत इंटरनेट चालू करता है तो उसका पॉपअप बटन चला जाएगा। तो दोस्तों, यही ऐप है, मैं इसका पार्ट सीरीज भी लेकर आ जाऊंगा। दोस्तों, मैं अपना लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने 12 स्क्रीन लिए हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है फायर बेस से लोड कराए गए हैं। यहाँ पर बटन लेवल, यहाँ पर मैं इसका पूरा पार्ट बाई पार्ट मैं समझा दूँगा कि इसको पूरा कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है फायर बेस से लोड थे। यहाँ पर मैंने टीनी डीबी क्लॉक, यहाँ पर जो है सारे के सारे फायर बेस यूज़ किए हैं। यहाँ पर बटन है, लेवल है। यहाँ पर मैं फायर बेस में भी दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हैं तो क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टडी वन दिखा देता हूँ। स्टडी वन में आपने देखा था कि 5 क्वेश्चन आए थे और 5 आंसर भी आए थे। यहाँ पर नीचे एक टोटल का बटन भी है। यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन एंड 5 आंसर भी है। यहाँ पर देखिए टोटल बटन जो है 5 है। जैसे कि आप यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, तो बढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे टोटल है, तो टोटल पे यहाँ पर 4 दिखाना चाहते हैं तो 4, यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन बनाया है लेकिन मैंने 5 शो किया। वहाँ पर देखिए टोटल में 5 है, इसीलिए 5 वहाँ पर शो कर रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ाने के लिए बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं पार्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों,
मेरे चैनल पे आते हैं और वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों कि आप मैं भविष्य में जितना भी वीडियो बनाऊंगा और मैं इससे अच्छी अच्छी ऐप भी बनाना आपको सिखाता रहूंगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने स्क्रीन में दिखा दिया है कि देखिए आप कैसे कैसे इसमें आप क्वेश्चन जो है ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन ए बी सी डी आप ऑप्शन भी दे सकते हैं। यहाँ पर टोटल का भी है, क्यूज में भी वही सारा सिस्टम है और स्टडी में भी है सारे क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में बी सी डी आप इसमें आंसर भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं आप इसमें। जैसे यहाँ पर ऑप्शन सी में भी जो आंसर होगा डी में भी है, मैं डी का भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर टोटल भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 20 क्रिएट किए हैं लेकिन मैंने 5 शो कराया। आप बढ़ा घटा सकते लेकिन मेरा आंसर कुछ गलत है डेमो के लिए, इसीलिए इसमें आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों यही ऐप था, मैं इसका पार्ट सीरीज भी लेकर आ जाऊँगा। तो देखने के लिए धन्यवाद।